एबी डिविलियर्स, वर्ल्ड क्रिकेट का वो नाम जिसे मॉडर्न डे क्रिकेट में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कहा जाता है। शुक्रवार 19 नवंबर को डिविलियर्स ने ऐलान किया कि वो अब क्रिकेट जगत को पूरी तरह से अलविदा कह रहे हैं, यानी अब एबी डिविलियर्स क्रिकेट के मैदान पर नहीं दिखाई देंगे। एबीडी के इस ऐलान के बाद से सोशल मीडिया पर उनसे जुड़े ढेर सारे ट्रेंड्स देखे गए। हो भी क्यों ना, एबीडी नाम ही इतना बड़ा है। साउथ अफ्रीकी क्रिकेट के लिए एबी ने 8,500 से ज़्यादा टेस्ट रन, 9,500 से ज़्यादा वनडे और 1,500 से ज़्यादा T20 रन बनाए। वहीं ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो एबीडी के नाम 30,000 से ज़्यादा रन हैं। डिविलियर्स को अक्सर एक अटैकिंग बल्लेबाज कहा जाता रहा है, लेकिन क्या सिर्फ अटैकिंग बल्लेबाज होने पर किसी खिलाड़ी को ऐसी ख्याति मिल जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। एबी डिविलियर्स भी बिल्कुल ऐसे नहीं हैं जैसा हम उन्हें कई मौक़ों पर पाते हैं, यानी सिर्फ मिस्टर 360 से इतर भी डिविलियर्स ने क्रिकेट जगत को अपनी तकनीक और संयम दिखाया है। आज इस रिपोर्ट में हम एबी डिविलियर्स की ऐसी ही 5 इंटरनेशनल पारियों का जिक्र करेंगे जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों वो ग्रेट हैं। सबसे पहले बात 2008 पर्थ टेस्ट की। 2004 में एबीडी को पहली बार साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट डेब्यू का मौका मिला। इसके बाद कई मौकों पर उन्होंने कमाल की पारियां खेली, लेकिन साल 2008 में जब साउथ अफ्रीकी टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंची तो पर्थ टेस्ट की उन्होंने पूरी कहानी ही पलट दी। मैच में ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग के लिए आया, उन्होंने साइमन कैटिच 83 रन और माइकल क्लार्क 62 रन और एंड्रयू साइमंड्स 57 रन, इसकी मदद से 375 रन लगा दिए। जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम ऑस्ट्रेलिया से बेहतर नहीं हो सकी। मिशेल जॉनसन ने 8 विकेट चटकाए और साउथ अफ्रीका को 281 रनों पर रोक दिया। इस पारी में भी एबी डिविलियर्स ने खूब संघर्ष किया। उन्होंने 130 गेंदों में 63 रन बनाए और जैक कैलिस के साथ मिलकर टीम को 281 तक पहुंचाया। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी के आधार पर 94 रनों की एक बड़ी बढ़त मिल गई थी। इसके बाद दूसरी पारी में तो ऑस्ट्रेलिया ने मैच दूर ले जाने वाला काम कर दिया। ब्रैड हेडन की 94 और बाकी बल्लेबाजों की छोटी छोटी पारियों की मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 319 रन बना दिए। अब साउथ अफ्रीका के सामने मैच के सबसे मुश्किल चौथे और पांचवें दिन 414 रनों का लक्ष्य था। टीम को कप्तान ग्रेम स्मिथ ने बढ़िया शुरुआत दिलाई, लेकिन चौथा दिन खत्म होते होते स्मिथ, अमला और नील मैकेंजी वापस लौट गए। अभी जीतने के लिए 230 से ज़्यादा रनों की ज़रूरत थी और जिम्मा एबी डिविलियर्स और कैलिस पर आ गया था। यहां से डिविलियर्स ने 186 गेंदों पर 106 रनों की ऐसी नॉट आउट पारी खेली कि अपनी टीम को 414 रनों वाला बड़ा लक्ष्य चेस करवा दिया। एबीडी ने दूसरी पारी में पूरी टीम में सबसे ज्यादा 276 मिनट बल्लेबाजी की और मैच में टीम के पिछड़ने के बाद भी टीम को एक ऐतिहासिक जीत दिलाई। पहले टेस्ट में जीत के बाद साउथ अफ्रीका ने दूसरा टेस्ट भी जीता और सीरीज पर भी अपना कब्जा जमाया। और अब बात करते हैं 2010 अबूधाबी टेस्ट की। अपनी तूफानी बैटिंग के लिए पहचाने जाने वाले एबी डिविलियर्स ने साल 2010 में टेस्ट क्रिकेट में एक बार फिर से ऐसी ही यादगार पारी खेली। अबूधाबी के गर्म मौसम में पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा था। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग चुनी। 35 के स्कोर तक तो पाकिस्तान ने अफ्रीकी टीम के 3 बल्लेबाजों को वापस पवेलियन भेज दिया, लेकिन इसके बाद खेल सेट किया एबी डिविलियर्स ने। वो पहले दिन ही लंच से पहले बैटिंग के लिए उतर गए और दूसरे दिन के आखिरी सेशन तक उन्होंने बैटिंग की। इस मैच की इस पारी में एबी डिविलियर्स ने 418 गेंदों का सामना किया और 278 रनों की एक मैराथन पारी उन्होंने खेली, जिसमें उन्होंने 28 चौके और 6 छक्के लगाए। इस पारी की सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने इस इनिंग में कुल 601 मिनट बल्लेबाजी की और पूरी पारी में कोई भी पाकिस्तानी गेंदबाज उन्हें आउट नहीं कर पाया। उनकी इस पारी की मदद से साउथ अफ्रीका ने 584 रन बनाए। ये मैच बाद में ड्रॉ पर ख़त्म हुआ, लेकिन डिविलियर्स ने जिस तरह से विदेशी कंडीशंस में पारी खेली उसे हमेशा याद किया जाएगा। 2012 एडिलेड टेस्ट पर आते हैं। 2010 में पाकिस्तान को रुलाने के बाद 2012 में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया का नंबर लगना था। साउथ अफ्रीका की टीम एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी। एडिलेड में सीरीज का दूसरा टेस्ट खेला जाना था। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में बोर्ड पर 550 रनों का बड़ा टारगेट लगा दिया। क्लार्क, वार्नर, हसी ने साउथ अफ्रीका की जमकर क्लास लगाई। जवाब में साउथ अफ्रीका की टीम 388 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस पारी में कई साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज चले, लेकिन डिविलियर्स महज 1 रन ही बना सके। पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पास 162 रनों की बड़ी बढ़त थी।
दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया खेलने उतरा और 267 रन बनाकर साउथ अफ्रीका को लगभग डेढ़ दिन में 430 रनों का टारगेट दे दिया। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया से पिछड़ी साउथ अफ्रीका के लिए दूसरी पारी में भी हाल बहुत अच्छा नहीं रहा। टीम ने चौथे दिन ही चाय से पहले 2 विकेट गंवा दिए। इसके बाद दिन का खेल खत्म होते होते 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ऑस्ट्रेलिया को जीत की खुशबू आने लगी क्योंकि अब जीतने के लिए सिर्फ 6 विकेट चाहिए थे और साउथ अफ्रीका की जीत का तो सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन ऑस्ट्रेलियन शायद ये भूल गए कि अब भी 2008 के पर्थ वाला वो खिलाड़ी मैदान पर डटा है जिसने उन्हें करारी शिकस्त दी थी, यानी एबी डिविलियर्स। दिन का खेल खत्म हुआ तो एबीडी 12 रन बनाकर खेल रहे थे। अगले दिन मैच बचाने के लिए उनका एक लंबी पारी खेलना जरूरी था। डिविलियर्स ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। उन्होंने आखिरी पारी में 220 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 33 रन बनाए, यानी एक मैच बचाने वाली सॉलिड पारी। इस पारी में उन्होंने एक भी बाउंड्री नहीं लगाई। वो कुल 246 मिनट तक क्रीज पर डटे रहे और मैच बचा कर ले गए। हालांकि उस पारी में फाफ डुप्लेसी ने भी उनका जमकर साथ दिया था। 2015 जोहान्सबर्ग वनडे। अब तक हमने देखा कैसे टेस्ट क्रिकेट में एबी डिविलियर्स अपनी टीम के लिए जुझारूपन दिखाते रहे, लेकिन अब आप देखिए एबीडी का एक अलग रूप। एक तरफ 220 गेंदों में 33 बने, वहीं एक तरफ बने 31 गेंदों में 100 रन, यानी एक अलग ही डिविलियर्स। ये पारी आई साल 2015 में वेस्ट इंडीज गेंदबाजों के खिलाफ। 18 जनवरी के दिन वेस्ट इंडीज के साथ दूसरा वनडे खेला जा रहा था। साउथ अफ्रीकी टीम की पहले बैटिंग ओपन करने आए हाशिम अमला और राइली रूसो। दोनों ने ऐसी ताबड़तोड़ बैटिंग की कि वेस्ट इंडीज गेंदबाज धराशायी हो गए। अमला ने 142 गेंदों पर 153 रनों की पारी खेली, वहीं रूसो ने 115 गेंदों पर 128 रन बनाए। इन दोनों की बैटिंग देख ऐसा लग रहा था कि आज साउथ अफ्रीका अलग ही जोन में है, लेकिन असली गियर शिफ्ट होना भी बाकी था क्योंकि वन डाउन एबी डिविलियर्स को उतारा गया। वो मैदान पर ऐसे झपटे जैसे भूखा शेर, आते ही ताबड़तोड़ हिटिंग उन्होंने शुरू कर दी। देखते ही देखते एबीडी ने 31 गेंदों में शतक पूरा कर दिया। 39वें ओवर में बैटिंग करने आए बल्लेबाज ने इतनी तेजी से शतक ठोका कि रिकॉर्ड बन गया। उन्होंने कोरी एंडरसन के सबसे तेज वनडे शतक के रिकॉर्ड को तोड़ डाला। इस पारी में एबीडी ने 16 छक्के और 9 चौके लगाए। आखिरकार 44 गेंदों में 149 रन बनाने के बाद डिविलियर्स आउट हुए। इस पारी में डिविलियर्स का स्ट्राइक रेट 338.63 का रहा। उनकी इस पारी की बदौलत साउथ अफ्रीका ने 439 रन बनाए और मैच भी 148 रनों से जीत लिया। और आखिर में 2015 सिडनी वनडे। ये वो वक्त था कि डिविलियर्स का मैदान पर उतरना मानो गेंदबाजों की शामत आना। जनवरी में ही वनडे क्रिकेट का सबसे तेज शतक लगाने के बाद वर्ल्ड कप में एक बार फिर से वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का दिन बुरा होना था। ये वो ही विश्व कप था जिसमें सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की हार के बाद की तस्वीर ने कितने ही फैंस के दिल तोड़े थे। खैर, बात पूल बी के उस डे नाइट मैच की करते हैं। मैच में साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग के लिए आया। जबरदस्त फॉर्म में दिख रही टीम को अमला, डुप्लेसी और रूसो ने अर्धशतक लगाकर तगड़ी शुरुआत दिलाई, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ था क्योंकि कप्तान का आना भी बाकी था। पारी के 30वें ओवर में हाशिम अमला के आउट होते ही डिविलियर्स मैदान पर उतरे। आते ही वो क्रिकेट दिखाया कि इस रौद्र रूप के आगे कैरेबियाई गेंदबाज बगले झांकने लगे। पावर हिटिंग का ऐसा नमूना कि 360 डिग्री से भी बढ़ बढ़कर शॉट्स मैदान पर दिखने लगे। उन्होंने मैच में सिर्फ 66 गेंदें खेली और 162 रन बनाए। इस पारी में एबीडी ने 17 चौके और 8 छक्के लगाए। उनकी इस पारी से साउथ अफ्रीका ने 408 रन बनाए और आसानी से मुकाबला जीत लिया। हमने कई बार एबी डिविलियर्स की ऐसी पारियां देखी हैं जिनमें उन्होंने महज चंद गेंदों में मैच का रुख पलट दिया, लेकिन ये वो पारियां हैं जिनमें उन्होंने तेज तर्रार बैटिंग भी की और जरूरत पड़ने पर संयमित खेल दिखाकर अपनी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से निकाला भी। इसीलिए तो कहते हैं कि यूं ही नहीं कोई डिविलियर्स बन जाता है। आपके लिए ये तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी विपिन। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।